अस्सलाम वालेकुम। आज है 1 सितंबर सन 2024 और इस टाइम मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर, और मेरे पीछे आप रावलपिंडी रेलवे स्टेशन की खूबसूरत बिल्डिंग भी देख सकते हैं, और मेरे हाथ में ये एक पंपलेट देख सकते हैं जो कि 35 और 36 डॉन सर सैयद एक्सप्रेस का है। तो दोस्तों, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और आज इंशाल्लाह 1:30 पर रावलपिंडी से डिपार्चर करेगी सर सैयद एक्सप्रेस, और जिसको खुसूसी तौर पर मैं कवर करने के लिए लाहौर से आया हूँ। तो आज इंशाल्लाह यहाँ पर इसको कवर करेंगे। और दूसरा दोस्तों, आज माशाल्लाह रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर बहुत ज़्यादा रौनक है, क्योंकि बहुत दूर दूर से जो रेल फ़ैन हैं, मीडिया के दोस्त हैं, वो आज इसको कवर करने के लिए आए हैं। और अगर मैं सर सैयद एक्सप्रेस की बात करूं तो यकीनन एक पैसेंजर के लिए ये बहुत खुशखबरी की बात है जो कि रावलपिंडी से ट्रैवल करते हैं वाया हाफिज़ाबाद, वज़ीराबाद, सांगला हिल, फैसलाबाद, खानेवाल, तो उनके लिए बहुत खुशी की बात है क्योंकि आज से सर सैयद का दोबारा इफ्तिताह हो रहा है। तो बाकी अभी चलते हैं स्टेशन बिल्डिंग के अंदर और वहाँ के जो इंतज़ाम है उसका भी जायज़ा लेते हैं, तो साथ रहिएगा। सामने आप रावलपिंडी रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग देख सकते हैं, और 1879 की ये तमीरशुदा बिल्डिंग है, और उससे ऊपर कलमा शरीक दर्ज है, और उसके पीछे हमारा सब्ज़ हिलाली परचम जो पाकिस्तान की पहचान है वो उधर लहरा रहा है। तो ये रावलपिंडी रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग है, और सामने आप ZB 203 स्टीम लोको भी देख सकते हैं जो पाकिस्तान के बड़े बड़े शहर हैं जैसे कि हैदराबाद, फैसलाबाद और मुल्तान, लाहौर, वो बिल्डिंग के बाहर मौजूद हैं। और बिल्डिंग के बाहर ही ये एक छोटी सी पौधा नुमा एक नर्सरी है, इसमें आप देख सकते हैं बड़े खूबसूरत और ग्रीनरी वाले पौधे उगे हुए हैं। तो ये जब आप आएँ तो आपको बड़ी अच्छी ये फीलिंग देते हैं। और इन्हीं के सामने रावलपिंडी रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग, तो अभी स्टेशन बिल्डिंग के अंदर चलते हैं और अंदर की जो सेरेमनी है वो आपको दिखाते हैं। और प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर GO 24565 की क़यादत में 14 डॉन अवामी एक्सप्रेस आ रही है। जो कि पेशावर से 8:30 सुबह निकली है। और रैक की अनाउंसमेंट हो चुकी है जी सर सैयद एक्सप्रेस की, वो भी कुछ देर में प्लेटफॉर्म 3 पर पहुंचने वाला रैक भी उसका। ले जी दोस्तों, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और मेरा फेवरेट लोको GU 24562 आज लीड कर रहा है जी सर सैयद एक्सप्रेस को रावलपिंडी से लेकर कराची रेलवे स्टेशन तक। दुल्हन की तरह इसको सजाया गया है। और फहीम भाई हमारे वो भी इसमें मौजूद हैं, और बिजनेस क्लास को सजाया गया है और टोटली न्यू रैक है जी। और मैं अपनी वीडियो में भी दिखाया था मैंने कि टोटली इसका न्यू रैक है। और एसी डाइनिंग कार भी इसमें मौजूद है। और दोस्तों, रैक इसका जी
प्लेस हो चुका है और आवाम का आप रश भी देख सकते हैं और ठीक ठाक रश है आज प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर रावलपिंडी रेलवे स्टेशन के। अभी जो इसकी ब्रेक है इंशाल्लाह उसका भी आपको व्यू करवाते हैं और सेरेमनी भी इसकी शुरू होने वाली है। खड़े भी हैं और जो रॉस लॉजिस्टिक के ओनर है वो भी इधर पहुंच चुके हैं। जी जी मीडिया है सर, बुला लें मीडिया वाले नु आगे करना यार। मीडिया वाले कौन से हैं यार? सारे ही मीडिया ने, सारे ही। और डीएस साहब जो है वो खुद आके जो है रिव्यू कर रहे हैं। इसको दिखाइए, अच्छा ये देखिए इसको दिखाइए। तो सर यहाँ पर जो मौजूद है मौके पर पहुंचे हैं और उन्होंने खुद विजिट किया। अभी सर मैं करवा सही करवा रहे हैं इसकी जगह, ये देखिए बड़ी अच्छी कागज के डीआर साहब खुद यहां पर आकर मायना कर रहे हैं और एक एक चीज को देख रहे हैं। तो
जो है वो सेरेमनी स्टार्ट हो चुकी है। तो उत्साह हो चुका है दोस्तों, पॉलिटिकल
पॉलिटिकल पार्टी का प्रेशर था जिस वजह से ये बंद की गई थी नून लीग, और अब आप समझते हैं नून लीग की हुकूमत ने दोबारा ये ओपन की गई है, तो आप समझते हैं कि नहीं जी हमारा ना तो हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम बिजनेसमैन हैं, बिजनेस करते हैं, नीड एंड ड्रीम बिजनेस करते हैं, ना हमारा पॉलिटिकली किसी पार्टी से एफिलिएशन है और ना इसमें कोई पॉलिटिक्स इन्वॉल्व थी। वो जिस तरह आवामी भी लास्ट मंथ चली है, ये मैंने जिस तरह पहले गुजारिश की थी कि जो फ्लड में हमारी ट्रेनें बंद हो गई थी, ये सर सैयद ने प्लीज होना पड़ा, ये होनी थी तीन ट्रेनों में से एक मैं था जो कि बंद हो गई। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे डी एस रावलपिंडी नूरुद्दीन दावर साहब जो कि मीडिया से बात कर रहे थे। तो अभी आपको एक छोटा सा रिव्यू भी करवाते हैं अंदर का, और फिर आपको इसका जो डिपार्चर है वो भी दिखाते हैं। तो ये है जी एसी बिजनेस क्लास और सीएनआर एसी बिजनेस, और मुसाफिर जो है जी वो बिल्कुल तैयार है क्योंकि गाड़ी जो है वो डिपार्चर होने वाली है। एक छोटा सा रिव्यू एसी बिजनेस का, और ये कुछ मेहमान बैठे पैसेंजर मौजूद हैं यहाँ पर। असल भी कैसे हैं? अच्छा हुआ कि आप हमें यहाँ पर मिल गए। तो ट्रैवल असल भी कर रहे हैं आप साथ में इसमें? बस ये थोड़ी सी आगे हुई है, थोड़ी पीछे हुई, ट्रैवल हो गया। जबरदस्त। तो क्या कहेंगे सर सैयद के बारे में? वन ऑफ द बेस्ट ट्रेन ऑफ पाकिस्तान, ग्रीन लाइन और ये साथ पैरेलल है, देखते हैं कौन जीतता है। मेरा ख्याल इसका मुकाबला नहीं है, वो लाहौर वालों की ट्रेन है। जी जी। सारों ने फैसलाबाद नहीं जाना, मोस्ट ऑफ द पीपल लाहौर ट्रैवल करते हैं। अच्छा सर, यही मैं आपसे बल्कि दूसरे दोस्तों के क्वेश्चन करने वाला था लेकिन आपसे मैं करूंगा। तो कहते हैं कि ग्रीन लाइन को इसका फर्क पड़ेगा, एज ए रेल फैन आप क्या समझ रहे हैं? सर्विसेज के हवाले से ये उससे टॉप है, उससे ऊपर है, फर्क पड़ेगा सिर्फ सर्विसेज की वजह से। कराची वाले मतलब 70% लोग सर सैयद को चूज करेंगे, लेकिन जिन्होंने वाया लाहौर वाया मेन लाइन जाना है वो ग्रीन लाइन को चूज करेंगे। दोनों का तगड़ा मुकाबला है, ग्रीन लाइन किसी से कम नहीं है, लेकिन अभी सर सैयद नंबर वन। तो ट्रैवल कर रहे हैं आपके? नहीं नहीं, तो चाय पियेंगे मेरे साथ? चलें, अभी को मैं इनकार नहीं करता। हले नहीं यार, थोड़ा ठहर के। तो ये सर भाई थे हमारे, हमारी अक्सर कक्षा लगती रहती है। बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का, बहुत शुक्रिया भैया आपका। और इसका मैं एयर कंडीशनर जो स्लीपर है और काफ़ी फेमस सर सैयद की ये क्लास है, उसके बाहर मैं मौजूद हूँ, और जो सिक्योरिटी का अमला है वो भी यहाँ पर मौजूद है आवाम की सहूलत के लिए, पैसेंजर की सहूलत के लिए। तो अभी चलते हैं अंदर और आपको जो एयर कंडीशन स्लीपर है उसका भी रिव्यू करवाते हैं। और एयर कंडीशन स्लीपर के मैं अंदर आ गया हूँ, और ये है जी कोच नंबर 2। तो पैसेंजर दोस्तों इसमें मौजूद है। अच्छा ये वो चेक करना अंदर है या नहीं। तो ये दोस्तों आपको एसी स्लीपर जो बताया जा रहा है कि अपनी प्रोवाइड के हवाले से काफ़ी फेमस है, आपको सामने एक फ़ैन मिलेगा और 2 पर्सन के लिए बैठने के लिए 2 बर्थें मौजूद हैं। अगर आप आराम करना चाहें तो ये और भी आगे आके आप इसमें 3 बंदे भी सो सकते हैं, और सामने LCD मौजूद है और एयर वॉश और काफ़ी कुछ वाईफाई की सहूलत इसमें मौजूद है, और AC इसका दोस्तों काफ़ी लाजवाब है। अभी चलते हैं आगे। तो डिपार्चर भी सर दोस्तों हो चुका है, और मेरा फेवरेट लोको 4562, और काफ़ी दिनों के इंतज़ार के बाद लाहौर रावलपिंडी से रवाना हो रही है, और बड़े लम्हा जो है रावलपिंडी स्टेशन पर जज्बात जो है वो देखने को मिल रहे हैं। का जरा कहते हैं ड्राइवर साहब को, तो दुल्हन की तरह सजाया गया है आज मेरे लोगों को 4562। ब्रेक अप्लाई हुई है, और ब्रेक अप्लाई होने के बाद डिपार्चर हालांकि के साथ दोबारा रवाना हो रही है। अस्सलाम वालेकुम जनाब भाई। सलाम मतलब भी कैसे हैं? कैसा लगा आज का? बहुत अच्छा लग रहा है। ट्रेन जा रही है,
ऐसे ही है। तो दोस्तों फाइनली हमजा भाई इसमें ट्रैवल कर रहे हैं, फैसलाबाद तक जा रहे हैं आप। चले बेस्ट ऑफ लक हो गया आप। यूसुफ भाई कैसे हैं? और बहुत सारे रेल फैन जो इसमें ट्रैवल कर रहे हैं। ओके जैन भाई अल्लाह हाफिज। ओके नुमान भाई शुक्रिया आपको। और मुबीन भाई बड़ा दिल था मेरा आज इनके साथ ट्रैवल करने का, लेकिन बेस्ट ऑफ लक मुबीन भाई आपके लिए, अल्लाह हाफिज। और क्योंकि आज पहला दिन है और कुछ पैसेंजर जो हैं वो रह चुके थे, तो और अहमद भाई भी जा रहे हैं साथ में। अल्लाह हाफिज। और हमारे हर दिल चाहते हैं भाई अल्लाह हाफिज। आपको रेम्यू करवा दूँ और ये एक सैंडविच टाइप है, ठीक है, एक आप इसको कह लेते पेस्ट्री टाइप और एक गार्लिक चिली बाई फेवरेट स्लाइस बाई फेवरेट और एक्वा फिना बाई फेवरेट। तो अभी मैं इसका आपको रेम्यू कर देता हूँ और यही सर्व अंदर भी मजा की गई है। बहुत अच्छा है। अगर इस तरह की चीज़ हम वैसे भी कहते हैं कि ट्रेन में अगर चीज़ मिले चीज़ तो वो बहुत कूल है। तो चाय भजन लास्ट और उनकी तरफ से नहीं है वो जी। तो फाइनली दोस्तों सर सैयद एक्सप्रेस जो है वो रावलपिंडी रेलवे स्टेशन जा चुकी है, लेकिन मेरे दोस्त असद भाई यहाँ पर मौजूद हैं और इनसे मैं रिव्यू पूछता हूँ सर सैयद का। अस्सलाम असद भाई। असद भाई पहले भी आपसे बात हो चुकी है इस मौजू पे, लेकिन अब जो क्या ट्रेन गुजर चुकी है तो वो टाइम कुछ इस तरह था कि काफ़ी कम टाइम में वो रवाना हुई है इधर से रावलपिंडी से। तो बताइएगा कि सर सैयद आज चली है तो इसके बारे में बताइएगा, इसकी जो ऑक्यूपेंसी होती है मुसाफरों की और इसकी जो सर्विसेज होती हैं उसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल से बताएं। राजे भाई सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस काबिल समझ के मुझे इस काबिल समझा। सर सैयद बहुत बड़ी गाड़ी है मेरे अल्फाज उसके लिए, शायद मैं छोटा इंसान हूँ उसके आगे। सर सैयद ही वन ऑफ दी बेस्ट ट्रेन है, वन ऑफ दी लग्जरी ट्रेन ऑफ पाकिस्तान। ग्रीन लाइन की तर्ज पर चलने वाली वाया फैसलाबाद चलने वाली गाड़ी है। फैसलाबाद वालों को सबसे पहले मुबारकबाद कि उनको एक प्रीमियम ट्रेन मिल गई। लाहौर वाले इंशाल्लाह ग्रीन लाइन चूज़ करेंगे। फैसलाबाद से कराची जाने वाले सर सैयद
और जहाँ तक मेरा ख्याल है सर सैयद जीत जाएगी सर्विसेज के हवाले से, फार बेटर सर्विसेज दैन ग्रीन लाइन, क्योंकि वो गवर्नमेंट के पास है तो गवर्नमेंट थोड़ी सी बेचारी क्या क्या करे। नहीं आपने रिव्यू वैसे किया इसका जो वो उन्होंने दिखा रहे थे किचन वगैरह भी दिखा रहे थे, तो उस पर वही सवाल है कि ग्रीन लैंड से बेहतर है तो यही चीज़ें होती हैं। ऑक्यूपेंसी इसकी हमेशा से फुल रही है जी, सीट बाय सीट ओपन टिकट इसमें भी नहीं मिलती जैसे ग्रीन लाइन है। आज कुछ हो गया होगा मामला क्योंकि पहला दिन है और लोगों ने जाना था यूट्यूबर्स हजरात ने, तो ये जी आपके वज़ीराबाद फैसलाबाद, वज़ीराबाद से फैसलाबाद और खानेवाल जाती है वाया वज़ीराबाद खानेवाल ब्रांच लाइन, 325 किलोमीटर की ये लाइन है खानेवाल से, फिर ये चली जाएगी भावलपुर, वहाँ से ग्रीन लाइन की तरफ पे हैदराबाद रोड़ी एंड कराची। बहुत खुशी हुई आज इस गाड़ी के चलने से, देर आए देर आमद दुरुस्त आमद या देर आए दुरुस्त आए जो मर्जी कह लें, गाड़ी का कोई जवाब नहीं। अच्छा असद भाई आप, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करता हूँ कि आप मतलब काफ़ी अच्छे से रेल फैन ही कर रहे हैं और आज रावलपिंडी में काफ़ी रेल फैन दोस्त आज इकट्ठे हुए हैं, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? सर गाड़ियाँ तो चलती रहेंगी, ये जो एक दूसरे के साथ मुलाकात का बहाना ना ये मैटर करता है, ट्रेन वैसी है इकॉनमी में 6 बर्थें हैं 2 सीटें हैं, एसी स्टैंडर्ड भी वैसी है, बिजनेस भी वैसी है, स्लीपर में 4% है 2% है, पहले 20 दफ़ा देखा हुआ है, आज कुछ सजा हुआ था खूबसूरत था, प्राइवेट गाड़ी है सर्विसेज थोड़ी सी बेहतर थी, मीटअप असल बहाना होता है। जहाँ तक सर सैयद की बात है मेरा इस पर कोई सफ़र नहीं है, मेरे सेक्शन की गाड़ी नहीं है, सफ़र देखे ज़रूर हैं, तारीफ़ हमेशा सुनी है इसकी और इनके मालिकान बहुत अच्छे हैं, वो मतलब 2,80,00,000 2.8 बिलियन की गाड़ी सालाना की आज का बिड हुई है या इसको क्या कहते हैं ठेका, तो उम्मीद है ये मेंटेन रहेगी, तो पहले भी मेंटेन रही है, इसकी तारीफ ही सुनी। और मेरा दिल कह रहा है कि आप कभी ना कभी इस पे रावलपिंडी से खाने वाले तक ट्रैवल जरूर करेंगे। फैसलाबाद तक करूंगा, जरूर करूंगा इंशाल्लाह। चलिए बहुत शुक्रिया असद भाई आपका, मेरी सेहत के लिए दुआ कीजिए, आपकी सेहत के लिए और आपकी वालदा को अल्लाह पाक मगफरत करे उनकी, हमारी सब रेल फैन की दुआएं इंशाल्लाह आपके साथ हैं। जी तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो और मैं खसूसी तौर पर लाहौर से आया था सर सैयद को कैप्चर करने और आज एक जश्न का समा था रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर और काफ़ी दोस्त रेल फैन जो यहाँ पर मौजूद थे और वो दोस्त रेल फैन जिनसे जब कोई ट्रेन चलती है या कोई इवेंट होता है तो फिर मुलाकात होती है। तो उसके अलावा दोस्तों जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि सर सैयद एक्ट्रेस को रास रजिस्टर इंटरनेशनल कंपनी वो इसको ऑन करती है और बड़ा अच्छा उन्होंने हमारे साथ कॉपरेट किया तावन किया, तो उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। तो बाकी दोस्तों इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट ट्रैवल में नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब किया कीजिएगा। रावलपिंडी से मुझे और मेरे दोस्तों के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान रेलवे पाइंदाबाद।